तो भाई इस वीडियो में आपको 5 रूटेड एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो कि डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। चलो फिर देखते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है स्टोरेज रिडायरेक्ट। तो हम बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी यूज करते हैं, गेम्स ऐसे यूज करते हैं जिनकी फाइल्स बहुत ज्यादा बड़ी होती है। हम कुछ भी चीज़ उस एप्लीकेशन से डाउनलोड करते हैं या फिर गेम की जो फाइल्स होती हैं वो हमारे इंटरनल स्टोरेज में काफी ज्यादा स्पेस घेरती है। लेकिन अब ये एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, उनकी जो फाइल्स है आप उनको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब हम की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी एप्लीकेशन का, चाहे वो कोई भी पिक्चर डाउनलोड करिए आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आप अपने एसडी कार्ड में रख सकते हैं उसकी लोकेशन। अगर आप किसी भी ऐप का कोई भी डाटा कहीं और स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसके जरिए वो आसानी से कर सकते हैं। बाद आप स्टोरेज थोड़ी बहुत फ्री कर सकते हैं इससे, थोड़ी बहुत नहीं, मुझे लगता है काफ़ी स्टोरेज से फ्री होगी। तो यहाँ पर मैं जो भी एप्लीकेशन बता रहा हूँ ये इनमें से कुछ प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं और कुछ नहीं है, तो लेकिन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है एंड्रॉइड मैनेजर। तो अगर आप TWRP वगैरह इंस्टॉल कर चुके अपने फोन में तो आपको ये तो पता होगा कि हम जो बैकअप लेते हैं वो एंड्रॉइड बैकअप होता है, हम उस बैकअप को ले लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन उस बैकअप को कंट्रोल करने में मदद करती है, मतलब आपने कोई बैकअप ले रखा है अपने फोन में वो आपके फोन में स्टोर है। तो अब इस एप्लीकेशन खोलेंगे एंड्रॉइड मैनेजर को, तो यहाँ पे आपको बैकअप देखने को मिलेगा। उस बैकअप पे आप क्लिक करके देखेंगे तो आप उस बैकअप की पूरी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे, आपके जो मैसेजेस थे उस बैकअप के अंदर वो कौन कौन से मैसेजेस थे, वो लॉक्स कॉल लॉक्स कौन कौन से थे। प्रो के लिए आपको इसे परचेस करना पड़ेगा इसलिए, लेकिन यहाँ पर फ्री चीज़ें बहुत हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फो में जाके आप पूरा बैकअप का पूरा डाटा देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, कितनी MB की फाइल्स हैं, कितनी KB की फाइल्स हैं। अब कोई पुराना बैकअप है और कब आप कोई दूसरे फ़ोन पे, लेकिन आप उस बैकअप से अपने ऐप्स लेना चाहते हो तो आप इससे वो ले सकते हो। आपको यहाँ पे रिस्टोर ऐप्स एंड डाटा का भी मिल जाएगा, मतलब जितने भी ऐप्स होंगे उनके डाटा आप डायरेक्टली यहीं से बैकअप ले सकते हो। तो यूज़फुल हो सकता है क्योंकि हम कई बार पूरा बैकअप फ्लैश नहीं करना चाहते, हम उनके कुछ चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से उठाना चाहते हैं, तो आप इस ऐप को यूज़ करके वहाँ से जितने भी आप डाटा हैं वो उठा सकते हैं। करेंटली रोम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी रोम यूज़ करें, कोई फ़ोन यूज़ करें तो उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है रिसेंटली। जब हम रिसेंट पैनल में जाते हैं अपने फ़ोन के, वहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन रन कर रही होती है और वहाँ पे हमारे पास एक बटन भी होती है सारे ऐप को क्लोज करने की या सारे ऐप को काटने की। हम वो बटन को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये एप्लीकेशन करती क्या है, जो आपका वहाँ पे क्लोज का बटन हो इसके साइड में ही आपको एक रिसेंटली का एक और बटन देखने को, उस बटन पे आज आप क्लिक करेंगे तो जितनी बैकग्राउंड प्रोसेस होंगी मतलब उनके पूरे जड़ तक जाकर ये सब क्लियर कर देगा। जब हम रिसेंट पैनल में जब भी हम कोई नॉर्मली सारे क्लोज ऐप्स करते हैं एक एक करके, फिर एक बटन पे क्लिक करके सब क्लोज करते हैं तो वो पूरी तरीके से बंद नहीं होती, जो बैकग्राउंड में रन होने वाली एप्लीकेशन होती है वो हो रही होती है। इसलिए बहुत सारी एप्लीकेशन बैटरी कंज्यूम करती हैं आपकी। तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इसलिए यूजफुल है क्योंकि आज जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे जो रिसेंटली की बटन होगी, उसके बाद वो आप पूरे जड़ से उन एप्लीकेशन को क्लियर करेगा, मतलब उनका कोई भी डाटा उनका कोई भी बैकग्राउंड प्रोसेस रन नहीं हो रही, इससे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव भी होगी। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो डिसेबल एप्लीकेशन। तो देखो हमारे फोन में काफ़ी ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिन्हें हम यूज़ भी नहीं करना चाहते और जिन्हें हम हटाना भी नहीं चाहते कम्प्लीटली। वैसे तो सिस्टम ऐप रिमूवर एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में कम्प्लीटली रिमूव कर देती है एप्लीकेशन, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो हम अभी टेम्परेरी उसे यूज़ नहीं करना चाहते, अगर हम फ्यूचर में चाहें तो हम यूज़ कर पाएँ। तो ये एप्लीकेशन इस वजह से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। जब इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं होगी, वो डिसेबल हो जाएगी चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन। इसलिए रूटेड एप्लीकेशन भी, क्योंकि सिस्टम एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन हो आपके फ़ोन में ये उसको डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं होगा और यहाँ पर डिसेबल करने के बाद इसे इजीली इनेबल कर सकते हैं, तो यहाँ पर इतना बड़ा कोई भी इशू नहीं आएगा, तो ये यूज़फुल हो सकती है। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है असिस्टिव जूम। तो बस ये एप्लीकेशन कभी कभार काम करती है कभी कभार नहीं करती, लेकिन ये है यूज़फुल अगर काम करती है। तो यहाँ पे इसको इनेबल करने के बाद, इस एप्लीकेशन को इनेबल करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक बटन देखने को मिलेगी, आप जूम की आपको एक बटन देखने को मिलेगी मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे। तो मतलब ये काम क्या करते, पिंच जूम करते हैं अपने दो उंगलियों से हम कोई भी फोटो को जूम करते हैं या फिर जूम आउट करते हैं, तो या आपका वो एप्लीकेशन वन हैंडेड कर सकती है। मतलब यहाँ पे जो बटन होगी जो मैग्नीफाइंग ग्लास की जो बटन होगी, अगर आप उस पर पकड़ के आप उसको प्लस की तरफ करेंगे तो जो इमेज होगी वो जूम होगी, और उसको पकड़ के आप नीचे करेंगे तो वो जूम आउट होगी। तो ये कभी बार काम करती है कभी नहीं करती, ये इसकी प्रॉब्लम है। अगर आपके लिए काम कर रही है तो एक अच्छी बात है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, यूज़फुल है एक एप्लीकेशन। तो ये सारी ऐप्स आपके डेली लाइफ में यूज़फुल हो सकती हैं, आप बस इन्हें इंस्टॉल करो और यूज़ करो। मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी इसलिए मैंने इनको फीचर करा इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, जल्दी जाकर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियोज़ आएंगी मेरे चैनल पे। तो मिलूंगा आपसे एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।